एट सिंगुलरिटी, लेट जेड इक्वल्स टू ए इज ए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड देन वाई लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन एफ जेड इक्वल्स टू समीशन एन बराबर जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन समीशन एन बराबर वन टू इन्फिनिटी वी एन जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन। कोएफिशिएंट देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड माइनस ए इज वी वन विच इज कॉल्ड रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए। देखिए भाई लॉरेंट सीरीज आप जानते हो ये पॉजिटिव पावर और ये आपकी कैसी पावर होंगी नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए और नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए। अब रेसिड्यू का मीन ये होगा तो नेगेटिव पावर फर्स्ट लीजिए तो एन की वैल्यू वन के लिए वन अपॉन जेड माइनस ए आएगा तो वन अपॉन जेड माइनस ए का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा वी वन। वी वन को ही हम रेसिड्यू कहते हैं वो किस पर जेड इक्वल्स टू ए पर। वी वन इज कॉल्ड रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए। हमने आपको ए एन की वैल्यू बताई थी ए एन कितना होता है वन अपॉन टू पाई आउटा ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस वन, यही तो बताया था। अब वी एन की वैल्यू कितनी होती है बताइए, वी एन की वैल्यू होती है टू पाई आउटा ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस एन प्लस वन। एन के स्थान पर कितना रिप्लेस हो जाता है माइनस का एन, ठीक है भाई एन के स्थान पर माइनस का एन रिप्लेस हो जाता है, यही तो जानते हो। तो वेयर दैट इज वी वन इक्वल्स टू वी वन की वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी यहां से वन अपॉन टू पाई आउटा ओवर द कंटूर सी ये क्या बचेगा एफ जेड डी जेड एन इक्वल टू वन पुट कीजिए वन माइनस वन जीरो तो यही बच जाएगा एफ जेड डी जेड एफ जेड डी जेड वन अपॉन टू पाई आउटा ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड। या तो इससे निकाल लो इस फॉर्मूले से वी वन का मान, इस फॉर्मूले से नहीं निकालना चाहते हो तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर दो उसमें कोएफिशिएंट निकाल लो वन अपॉन जेड माइनस ए का वो कितना निकल के आएगा वी वन वही आपका होगा रेसिड्यू। या तो इसका कोएफिशिएंट निकाल लो या इस वैल्यू को निकाल लो तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए। वेयर सी इज ए सर्किल, सी इज ए सर्किल विद सेंटर विद सेंटर ए एंड इट हैज नो सिंगुलरिटी इन दिस सर्किल अदर देन जेड इक्वल्स टू ए, ठीक है भाई। बताओ रेसिड्यू की डेफिनेशन में कोई समस्या कि वन अपॉन जेड माइनस ए का जो कोएफिशिएंट होगा वो रेसिड्यू कहलाएगा, कोएफिशिएंट कितना है वी वन, या फिर ऐसे निकालो वी वन इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आटा ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड, ठीक है। vn की वैल्यू आप जानते हो n इक्वल टू वन पुट कर देना वन अपॉन टू पाई आउटा ओवर द कंटूर सी
एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर माइनस का एन प्लस वन, एन इक्वल टू वन पुट करते हो तो नीचे जीरो हो जाता है पावर में, और किसी भी संख्या की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। ठीक है, कोई समस्या किसी को? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अब एडिंग डालोगे आप कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू। अब कैसे कैलकुलेशन की जाएगी रेसिड्यूज की, वो चीज देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू इजी चैप्टर है ये भी आपका, कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू। इसमें लिखेंगे भाई दो ही पॉइंट डाल लें, एक तो निकाल ही चुके हो अभी सिंपल पोल पे, तो निकाल ही चुके हो अभी। व्हेन एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इक्वल्स टू ए। देखो भाई रेसिड्यू किस पे निकाल रहे हो, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पे। आइसोलेटेड कब कब हो सकते हैं, पोल्स पे हो सकती है, रिमूवल पे भी हो सकती है। ठीक है, अब हमने माना है कि पोल है, कितने ऑर्डर का पोल है, कितने ऑर्डर का पोल है, एम ऑर्डर का पोल है। अगर जेड इक्वल टू ए पुट करेंगे उसमें तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो m ऑर्डर का पोल है तो इसे किस इस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हो, क्या देखना, फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर m, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसे, कितने ऑर्डर का पोल है, m ऑर्डर का पोल है तो इस फॉर्म में लिख सकते हो नहीं लिख सकते भाई, ये तो इधर चला जाएगा। जैसे आप जानते हो जेड माइनस ए की होल पावर m से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो लिमिट है वो क्या आनी चाहिए, फाइनाइट, क्या आनी चाहिए, फाइनाइट, क्योंकि जेड माइनस ए की होल पावर m आपने सेपरेट कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली आएगा आएगा ये फैक्टर भाई, क्योंकि कितने ऑर्डर का पोल है, एम ऑर्डर का पोल है, तो फाइव जेड कैन बी रिटन इन द फॉर्म फाइव जेड, सॉरी एफ जेड कैन बी रिटन इन द फॉर्म फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम। इसको इधर ले जाओ तो ये लिमिट बचेगी फाइव जेड, और लिमिट जेड टेंस टू ए, ये क्या आनी चाहिए, फाइनाइट, क्या आनी चाहिए, फाइनाइट। अब एम ऑर्डर का पोल है तो आप इसको इस फॉर्म में आप आसानी से इसे लिख सकते हो। तो देखिए इसका सोल्यूशन में, since fz has a pole of order m at z equals to a, therefore fz can be written as fz equals to फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम, फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम। आप क्या जानते हो, व्हाट वी नो दैट रेसिड्यू at z equals to a is b1 equals to, हाँ भाई कितना होता है बोलिए, कितना निकाला था अभी, 1 upon 2 pi iota over the contour c fz d, यही तो था 1 upon 2 pi iota over the contour c fz d, fz की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, 1 upon 2 pi iota ये है 5z upon जेड माइनस ए की होल पावर एम डी जेड। कॉसी एंथ इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या कहता है भाई आपसे, एफ एन जेड नॉट फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई आउटा ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन। ये कौन सा फॉर्मूला होता है,
कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, कॉसी एंथ इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले से। तो यहाँ जेड माइनस ए एन के स्थान पे कितना है बताइए, एन के स्थान पे कितना है, यहाँ एम के एम माइनस वन, यहाँ एम प्लस वन आता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एन प्लस वन बराबर एम है, तो एन बराबर कितना है एम माइनस वन, कितना है एम माइनस वन, यानी कि वन ऐड कर दो और वन सबस्ट्रैक्ट कर दो तो एम माइनस वन, तो एम माइनस वन बचा तो एन के स्थान पे तो रख दीजिए आप एम माइनस वन, जेड नॉट के स्थान पे कितना है ए, तो रख देंगे ए, यहाँ कितना है फैक्टोरियल एम माइनस वन, और ये आपका टू पाई आउटा फैक्टोरियल सी एफ जेड डी जेड अपॉन यहाँ से जेड माइनस जेड नॉट की पावर, ये आपका एम माइनस वन और प्लस का वन, कोई दिक्कत है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही निकल के आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसकी वैल्यू निकल के आ गई एफ एम माइनस वन ए, मतलब इतने टाइम डेरिवेटिव और अपॉन में कितना आ गया फैक्टोरियल एम माइनस वन, ये वन अपॉन टू पाई आउट ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एम। तो कौन से फॉर्मूले से, बाई कॉसी एंथ इंटीग्रल फॉर्मूला। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई, इसके अकॉर्डिंग से वैल्यू निकल के आई है फाई का होगा कि अब फाई का डेरिवेटिव करेंगे कि एफ का, फाई है यहाँ पर, यहाँ पे क्या है भाई फाई, क्या है फाई, यहाँ पे कितना था एफ, तो आप क्या लिखोगे, ये आएगा फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कितने टाइम एम माइनस वन टाइम, वो भी किस पॉइंट पर ए पॉइंट पर, और फैक्टोरियल आ जाएगा आपका एम माइनस वन, वो भी किस पॉइंट पर ए पॉइंट पर, ये हो जाएगा आपका रेसिडियो वाई कॉसी एंथ इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूला वाई कॉसी एंथ इंटीग्रल फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम, रेसिडियो निकालना है तो रेसिडियो कैसे निकालेंगे भाई, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जेड जितने ऑर्डर का पोल है उसे काट देंगे, ये हट गया ना, जेड माइनस ए की पावर होल है इधर चला गया, क्या बच जाएगा फाइव जेड, और फाइव जेड का एक कम टाइम डेरिवेटिव करेंगे, कितने कम, कितने टाइम, जैसे दो डिग्री का पोल है तो कितने बार डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार, और नीचे फैक्टोरियल वन, अगर पांच डिग्री का पोल होता तो फाइव माइनस वन फोर, फोर टाइम डिफरेंशिएशन करते और नीचे भी फैक्टोरियल फोर आ जाता और हमारे पास क्या निकल के आ जाता, रेसिडियो निकल के आ जाता एट जेड इक्वल टू ए, ठीक है। तो पहले तो पोल को कट करना होगा आपको, और पोल को कट करने के बाद उसका उससे एक कम टाइम डेरिवेटिव करेंगे, एक कम टाइम डेरिवेटिव करने के बाद आप पोल निकालेंगे। अब देखिए केस नंबर सेकंड, वो तो निकाल ही चुके हो आप, थर्ड वाला सिंपल पोल वाला केस, रेसिडो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रेसिडो कैसे फाइंड करोगे भाई, रेसिडो एट इन्फिनिटी, रेसिडो एट इन्फिनिटी एज, ये आएगा भाई रेसिडो इन्फिनिटी पे माइनस जेड टेंस टू ए अप्लाई करोगे माइनस जेड एफ जेड। देखो इन्फिनिटी पे अगर आपको रेसिडो फाइंड करना है तो एफ जेड में माइनस जेड से मल्टीप्लाई करोगे लिमिट लगा दोगे, यही आपका क्या निकल के आएगा रेसिडो एट इन्फिनिटी, ठीक है, रेसिडो एट इन्फिनिटी। या तो ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा केस और होता है, दोनों में से जो आपको उचित लगे वो आप इन्फिनिटी पे रेसिड्यू निकाल सकते हो। और नेगेटिव नेगेटिव कोएफिशिएंट
ऑफ वन अपॉन जेड इज कॉल्ड रेसिड्यू एट इंफिनिटी या इनफाइनाइटी। दो प्रकार से, या तो वन अपॉन जेड का कैसा कोफिशियंट चाहिए, नेगेटिव कोफिशियंट। नेगेटिव कोफिशियंट ऑफ वन अपॉन जेड इज कॉल्ड रेसिड्यू एट इंफिनिटी, या फिर लिमिट जेड टेंस टू ए माइनस जेड एफ जेड, जो लिमिट निकल के आएगी वो आपका इंफिनिटी पे क्या होगा, रेसिड्यू होगा। अब हमें केवल तीन फॉर्मूले याद रखने, एक तो रेसिड्यू निकालने का पहले ही पहला सिंपल के लिए v1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आटा ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड बताया था, उससे हमने फॉर्मूला बना लिया। अगर पोल के लिए निकालना हो आपको, इफ पोल इज ए एम ऑर्डर पोल तो वन एक कम टाइम डेरिवेटिव करेंगे, इतने फैक्टोरियल नीचे लगा देंगे, वो निकल के आ जाए। इन्फिनिटी पे निकालना है तो माइनस जेड एफ जेड लिमिट जेड टेंस टू ए या कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है भाई, अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन कर ले, नहीं करोगे क्या कराओ? तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 10.2.1 राजस्थान यूनिवर्सिटी 2005, 10 and 15 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेसिड्यूज ऑफ जेड स्क्वायर माइनस टू जेड अपॉन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस फोर एट ऑल इट्स पोल इन द फाइनाइट प्लेन, इन द फाइनाइट प्लेन, all its pole in the finite plane. तो मेरोमॉर्फिक अगर सिलेबस में, तो मेरोमॉर्फिक करा देंगे भाई आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पोल निकालिए भाई, पोल्स ऑफ एफ जेड। पहले तो लेट कर लेते हैं भाई, लेट एफ जेड इक्वल्स टू, इसको एफ जेड के इक्वल लेट कर लिया आपने, जेड प्लस वन का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वन। हाँ भाई, फोर पोल्स ऑफ एफ जेड, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है, जेड प्लस वन का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक तो आएगा आपका जेड इक्वल्स टू माइनस वन और माइनस वन, माइनस वन कैसा रूट हो गया, रिपीटेड, कैसा रूट, रिपीटेड रूट। और यहां से आएगा जेड प्लस माइनस आयोटा, यानी कि जेड इक्व टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है भाई, जेड इक्व टू प्लस माइनस आयोटा। अब वन कितनी टाइम रिपीट हुआ है भाई, टू टाइम, और आयोटा कितनी टाइम रिपीट है, वन टाइम, और माइनस आयोटा भी वन टाइम। तो प्लस माइनस आयोटा आर सिंपल रूट, बट जेड इक्व टू माइनस वन इज ए डबल पोल, ये डबल पोल हो गया, और ये आपके कैसे पोल हो गए, सिंपल पोल। देयरफॉर जेड इक्वल्स टू माइनस वन इज ए डबल पोल, एफ जेड एंड जेड इक्वल्स टू फोर कर लो, प्लस माइनस टू आटा हो जाएगा, और क्या, एंड जेड इक्वल्स टू माइनस वन इज ए डबल पोल ऑफ एफ जेड, एंड जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस टू आयोटा आर सिंपल पोल्स, सिंपल पोल्स ऑफ एफ जेड। ये एफ जेड की कैसे पोल हो गए भाई, सिंपल, और ये कैसा पोल हो गया भाई, डबल पोल हो गया।
नाउ रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू टू आयोटा। कैसे निकाला जाएगा बताइए भाई, बी वन इक्वल्स टू कितना होता है भाई बोलिए, सिंपल पोल है, बताइए बोलिए कितने टाइम कोई टाइम डेरिवेटिव करोगे क्या? तो अभी मैंने बताया था ना फॉर्मूला, तो क्या करोगे जिस पे पोल निकाल रहे हो ना, किस पे निकाल रहे हो, टू आयोटा पे, तो जिस पे आप पोल निकाल रहे हो ना उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जितने ऑर्डर का पोल होगा। मैंने अभी बताया था ना जैसे एफ जेड कैसे लिखा था आपने, फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम, तो फाइव जेड कैसे निकला था, जेड माइनस ए की होल पावर एम का ही मल्टीप्लाई हो गया था, किससे, एफ जेड से, तब निकला था आपका क्या, फाइव जेड जितने ऑर्डर का पोल था। अब इसका ही डेरिवेटिव किया था हमने, क्या किया था इसका ही डेरिवेटिव, तो वी वन आप निकालोगे तो सिंपल पोल है तो हम क्या करेंगे जेड माइनस टू आयोटा से तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड माइनस टू आयोटा से इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एफ जेड का, एफ जेड का मल्टीप्लाई होगा किससे, तभी तो हमारे पास क्या बचेगा, फाइव जेड, जेड माइनस टू आयोटा से, यानी जो सिंपल पोल है वो जेड माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, फाइव जेड। अब इसका डेरिवेटिव करना है कितनी बार, डी ओवर डी जेड कितनी टाइम, कितने टाइम करें, एक कम टाइम, सिंपल पोल है तो कितने टाइम, जीरो टाइम, जीरो जीरो, नो डेरिवेटिव, कहने का मीन क्या होगा, नो डेरिवेटिव, और लिमिट क्या अप्लाई करनी है इसमें, जेड टेंस टू टू आयोटा, यही तो था हाई जेड में, अब जेड माइनस टू आयोटा कैंसिल कर दो, लिमिट लगा दो, जेड टेंस टू आयोटा, टू आयोटा पे निकाल रहे हो, तो एक तो फैक्टर होगा जेड प्लस टू आयोटा, एक होगा जेड माइनस टू आयोटा, जेड माइनस टू आयोटा से जेड माइनस टू आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा जेड स्क्वायर टू जेड अपॉन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, और एक बचेगा आपका जेड प्लस ए टू आयोटा, कोई दिक्कत है, एक फैक्टर कैंसिल हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए भाई, वैल्यू पुट करोगे तो टू आयोटा का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस का फोर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, और ये हो जाएगा टू आयोटा, टू आयोटा यानी कि फोर आयोटा, ठीक है भाई, अपॉन में ये आ रहा है आपका टू आयोटा प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये टू आयोटा हो जाएगा आपका फोर आयोटा, फोर कॉमन निकाल दें तो माइनस का फोर, तो ये बचेगा वन प्लस आयोटा, माइनस आपका कॉमन आ चुका है, और नीचे बच रहा है आपका आयोटा, और ये टू आयोटा प्लस वन, आयोटा टू आयोटा प्लस वन, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे, बताओ आया ना, बोलो कुछ तो है का ना भाई, का जो चमता बमता, आयोटा से डिवाइड कीजिए भाई, आयोटा से डिवाइड करोगे वन अपॉन आयोटा, और वन अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हो, आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई माइनस का आयोटा, क्या लिख सकते हो, माइनस का आयोटा, और ये प्लस का वन, और ये बच रहा है वन प्लस टू आयोटा का होल स्क्वायर, इसे खोलो भाई, फोर आयोटा स्क्वायर माइनस का फोर, टू ए बी फोर आयोटा, और ये प्लस का वन, तो ये बच रहा है आपका माइनस आयोटा माइनस वन, और अपॉन में फोर आयोटा माइनस का थ्री। अब रैशलाइजेशन कर दो, रैशलाइजेशन का मतलब होगा आपका आयोटा माइनस वन अपोजिट साइन, यानी कि फोर आयोटा प्लस का थ्री, और यहाँ से फोर आयोटा प्लस का थ्री, तो सिक्सटीन आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का, और माइनस का थ्री यानी कि माइनस का नाइन, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए भाई, माइनस का फोर, माइनस का थ्री, माइनस का फोर प्लस का थ्री, माइनस का आयोटा अपॉन माइनस का 25, माइनस कॉमन 7 प्लस आयोटा अपॉन 25, ये हो गया भाई रेसिड्यू किस पर, एट जेड इक्वल्स टू टू आयोटा, रेसिड्यू
एट जेड इक्वल टू टू आयोटा। अब माइनस टू आयोटा पर निकालना होता तो यहां कितना हो जाता, प्लस का टू आयोटा, और ये एफ जेड यहां हो जाता, लिमिट क्या हो जाती, माइनस के टू आयोटा, और प्लस का टू आयोटा कैंसिल हो जाता तो यहां बचता माइनस का टू आयोटा, उसे सॉल्व कर लेते। अगर जेड इक्वल टू माइनस वन पे निकालना होता तो जेड माइनस जेड प्लस वन के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब कितने टाइम डेरिवेटिव करना पड़ता जो कैंसिल होने के बाद, एक टाइम, और वो लिमिट लगा देते। तो शेष जो रेसिड्यू हैं वो आप निकालोगे घर से, अगर नहीं निकलते हैं तो कल हम आपको अगली क्लास में करा देंगे। तब तक के लिए सभी